नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इसके पहले देख रहे थे कि स्लोप हम लोगों ने निकाला था एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान, जो स्लोप आता है हमारा पी वी एक्सिस पर, तो डी पी अपॉन डी वी जो हम लोगों ने निकाला था गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी, ठीक है, ये आ गया था। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे हम लोग किसके ऊपर, एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है एफ एल ओ डी, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से जो हमारा इक्वेशन होता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, वो हमारा क्या होती है, पॉइंट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है और वर्क भी पाथ फंक्शन, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान चेंज हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र नेट हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, जीरो। मतलब कि अगर हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, तो अंदर वाली हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर वाली हीट अंदर नहीं जाएगी, मतलब कि क्यू नेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। और कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए हमारा, वेरी फास्ट, ताकि हीट ट्रांसफ़र होने का समय ही ना मिल पाए और प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट ला एडियाबैटिक के हिसाब से हम देखेंगे तो डेल्टा क्यू का मान जीरो होगा, तो डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। एक रिलेशन यहाँ से हमको ये मिला कि जो डी यू बराबर है वो माइनस डेल्टा डब्ल्यू के है। ये कंडीशन है कब, जब एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने अप्लाई किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब यहाँ से दो कंडीशन, कंडीशन ये है कि पहला है हमारा, अब दो प्रोसेस के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कंप्रेशन मतलब कि वॉल्यूम घट रहा होगा, कंप्रेशन अगर है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब जो डेल्टा क्यू होगा वो, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। हम लोग ये सब साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ये आ गया। तो डी यू हमारा एक माइनस तो आ ही, माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू का क्या है, वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। मतलब कि डी यू जो है वो प्लस, प्लस का मतलब ग्रेटर देन जीरो, क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू टू माइनस यू वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि यू टू ग्रेटर देन यू वन, ठीक ठीक। कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा कंप्रेस करने के पहले से, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि फॉर एन आइडियल गैस यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। जहाँ यू है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से देखेंगे तो आ जाएगा टी टू ग्रेटर दैन टी वन, ठीक है, ये यहाँ से मिल गया। अब हम लगाएंगे इसमें क्या, एक्सपेंशन की कंडीशन, एक्सपेंशन की कंडीशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डी यू क्या आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, मतलब डी यू नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, डी यू मतलब यू टू माइनस यू वन लेस देन जीरो, यू टू लेस देन यू वन मतलब टी टू लेस देन टी वन, ठीक है। अब यहाँ से आगे टेम्परेचर घट रहा होगा, एक्सपेंशन के दौरान जब एक्सपेंड करेगी तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, ठीक। तो ये रहा हमारा क्या कंसेप्ट आ गया यहाँ से, हमारा हमने फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया तो हमको यहाँ दो कंसेप्ट निकल गया, कंप्रेशन के लिए अलग और एक्सपेंशन के लिए अलग, ठीक है। तो एक छोटी सी ये क्लास ये हम लोग कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
कि जनरल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे पी वी पावर के बराबर कॉन्स्टेंट, तो इसके ऊपर सारे प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसके दोनों कंप्रेशन और एक्सपेंशन का ग्राफ बनाएंगे जो कि ऐसा क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है,